हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एचटी पर। फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर को यूज करते हुए। तो आइए हम ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इस पर जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन लगाकर और एजेक्स का यूज करते हुए हमने इसके लिए लॉगिन सिस्टम की वैलिडेशन लगाई थी। तो हम चेक करते हैं, जैसे हम अगर इस पर हमने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था। यूजर नेम था इसका एडमिन एंड पासवर्ड था इसका admin@123। तो हम इसे देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एडमिन, और यहाँ लिखेंगे हम admin@123। और जैसे ही मैं इस पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर राइट आ रहा है। अदरवाइज में कुछ और लिखता हूँ, एडमिन में कुछ और लिख देता हूँ, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये दे रहा यूजर नेम और पासवर्ड डू नॉट मैच। तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सही यूजर नेम और पासवर्ड होने पर हम इसे इसके वेलकम पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो आइए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया सबलाइन टेक्स्ट, और फाइल में क्लोज करता हूँ। देन हम फाइल ओपन करते हैं। तो हमारा जो ट्यूटोरियल हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो है मेरा जेम फोल्डर के अंदर, htdoc के अंदर। देन htdoc में हमने फोल्डर बनाया हुआ है ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल के अंदर है rbs, देन इसके बाद एप्लीकेशंस, देन कंट्रोलर्स, और हमारा जो कंट्रोलर है वो है एडमिन लॉगिन। तो हम इसे ओपन करते हैं, और हमारा जो व्यू है वो हमारा व्यू है व्यू फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर लॉगिन। तो हम ओपन करते हैं। तो हम चलते हैं व्यू फोल्डर में, और यहाँ पर एडमिन के अंदर लॉगिन। तो ये हमारा लॉगिन है जिसका यूज हमने यहाँ से किया था। जो हमारा ये लॉगिन पेज है इसका कोड हमारा इस लॉगिन पेज पर है, जहाँ पर हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया हुआ है। हमारा बटन है एडमिन लॉगिन, जिस पर हम क्लिक करते हैं। ये वाला जो हमारा बटन है इस पर ही हमने मेथड लगाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमारी मेथड है एडमिन लॉगिन, वो जो यहाँ लिखी हुई है। तो जब बटन पर क्लिक होता है तब हम इस यूएन और पीएस की वैल्यू को गेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूएन और पीएस की वैल्यू को गेट किया हुआ है यहाँ पर, और फिर हम चेक करते हैं कि ईमेल और पासवर्ड एंटर है या नहीं। अगर नहीं होती है तो हम मैसेज देते हैं कि प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर ईमेल। देन अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों यूजर फिल करता है तो हम आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पर हम एजेक्स की $.post मेथड का यूज करते हैं, और इसका यूज करते हुए हम हमारे सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड हमारा सर्वर है और फ्रंट एंड हमारा वेब ब्राउजर है। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो हमारे फ्रंट एंड मतलब हमारे वेब ब्राउजर पर वर्क करती है, और जो पीएचपी है वो सर्वर पर वर्क करती है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा एचटीएमएल है जो ब्राउजर पर है, इसके थ्रू हमें सर्वर पर हमारे कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए हम एजेक्स का यूज करते हैं, और एजेक्स में दो तरह की मेथड होती है। पहली होती है $.post और दूसरी होती है $.get, और एक इन दोनों की सुपर में जो मेथड होती है वो होती है एजेक्स। तो उसका भी यूज किया था, लेकिन ज्यादातर इसका ही यूज करते हैं क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, और जो एजेक्स है उसका थोड़ा डिफिकल्ट सिंटेक्स होता है। तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है, और ये कम से सबसे कम लाइनों में लिखा जाने वाला सिंटेक्स है। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम समझते हैं, तो ये जो हमारी $.post है इसमें दो पहला जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर होता है हमारा URL। तो हमने यहाँ पर दिया है कि जो हमारा बेस URL है साइट का, उसके बाद index.php/admin login नाम का हमारा एक कंट्रोलर है, उसके अंदर हमारी जो मेथड है वो है लॉगिन कोड पर रिडायरेक्ट करो, और हमने डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमारे यूएन और पीएस है। देन हमने एक फंक्शन कॉल किया है, और फंक्शन में एक पैरामीटर दिया है fb जो रिस्पांस को वेट करेगा, जो भी रिस्पांस आएगा हमारे इस एजेक्स मेथड का। और हम यहाँ चेक करते हैं कि fb.match अगर 1 है तो अलर्ट करो राइट, अदरवाइज यहाँ पर कर दो यूजर नेम पासवर्ड नॉट मैच। तो हम चेक करते हैं कि हमारे 1 किस तरह से रिसीव होता है fb के अंदर। तो हम चलते हैं हमारे एडमिन लॉगिन कंट्रोलर पर के अंदर लॉगिन कोड मेथड पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एडमिन लॉगिन कंट्रोलर है, और यहाँ पर ये हमारी लॉगिन कोड मेथड है। तो यहाँ पर हमने $.post करके यहाँ पर डेटा में हमने यूजर नेम पासवर्ड गेट किए, देन उसको सारे हमने MD5 कन्वर्जन किया। अगर आप देखना चाहते हैं कि MD5 कन्वर्ट क्या है और इसे मैंने किस तरह से किया हुआ था, आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसका पूरा डेटाबेस के बारे में बताया, और MD5 क्या होता है मैंने आपको ये बताया हुआ है, और अनसेट क्या है हमने यहाँ पर, तो ये किस लिए किया आप इसके लिए भी इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया, हमारा मॉडल हमने क्रिएट किया, देन सिलेक्ट डेटा मेथड के थ्रू हमने डेटा से चेक किया
क्या यूजर नेम पासवर्ड मैच होते हैं। अगर मैच होते हैं तो हमने यहाँ पर रिटर्न एको किया है 1 और अदरवाइज हमने किया है 0, तो ये हमारा राइट और इसका चल रहा है। तो यहाँ से हम 1 रिटर्न करते हैं और हमें पता चलता है कि यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करेंगे। सेशन क्या होता है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, सबसे पहले हम नॉर्मल रिडायरेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल रिडायरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलर बनाते हैं एडमिन एडमिन डॉट पी एच पी। देन यहाँ पर हम लिखेंगे पी एच पी और एक क्लास क्रिएट करते हैं एडमिन। देन एक्सटेंड करेंगे सी आई कंट्रोलर कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम लिखेंगे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देन इसके बाद हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो हम लिखते हैं पेरेंट क्लास मतलब हमारी जो सी आई कंट्रोलर है इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर उसे हम कॉल करते हैं। तो लिखते हैं पेरेंट कॉलन डबल कॉलन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, हमने से कॉल किया। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, तो हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। देन यहाँ लिखते हैं एको और यहाँ हम एको करते हैं दिस इज इंडेक्स फंक्शन। देन सेव। और अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हम रन करा के चेक करते हैं, तो हम यहाँ केवल एडमिन लिखते हैं देन एंटर हिट करते हैं, तो ये देखिए दिस इज इंडेक्स फंक्शन आ गया है। तो ये हमारा जो एडमिन कंट्रोल है वो वर्क करने लग चुका है। तो अब हमारा टारगेट है कि जैसे ही लॉगिन होता है यूजर तो हमें उसे एडमिन कंट्रोलर पर रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब हमारा रिस्पॉन्स आता है हम करते हैं अलर्ट में राइट, तब यहाँ राइट ना करते हुए हम यहाँ लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href is equal to, यहाँ हम थोड़ी सी पीएचपी स्क्रिप्ट लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं बेस यूआरएल, यही स्टेटमेंट हम कॉपी करेंगे एज इट इज, तो ऐसे हम कॉपी करते हैं स्टेटमेंट को कॉपी। देन यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। देन यहाँ हम लिखा बेस यू आर एल देन इंडेक्स डॉट पी एच पी देन एडमिन लॉगिन कोड, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, हमें यहाँ पर केवल और केवल एडमिन लिखकर यहाँ पर इसे छोड़ना है। तो हम ये लिखेंगे एडमिन देन यहाँ स्लैश लगाते हैं, देन इसे हम कर देते हैं सेव। तो ये हमारी फाइल हो चुकी है सेव। देन अगर हम यहाँ पर रिलोड करते हैं और यहाँ पर अगर मैं कुछ तो भी इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ, देन करते हैं हम क्लिक, तो इस पर कोई मैसेज नहीं आया, तो शायद हमारी एरर आ चुकी है, तो हम एरर को चेक करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर आ चुकी है अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलन की एरर रही है लाइन नंबर 23। तो हम चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट में एरर रही है। देन यहाँ देखिए सेमी कॉलन नहीं है, पहली चीज जो स्टेटमेंट ब्रेक होता है वहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। एंड अब हम इसे चेक करते हैं एक बार, तो हम करते हैं इसे रिलोड, अभी भी आ रही है एडमिन लॉगिन लाइन नंबर 23 इस लाइन पर आ रही है। अच्छा ये यहाँ पर ये जो है इस तरह से यूआरएल बन रहा है, तो एचटीटीपी के बाद जो कॉलन आ रहा है ये उस पर बोल रहा था, हम इसे स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। हम यहाँ लगाते हैं सिंगल कोट्स जिससे ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है, हम इसे डबल कोट में लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी पहले ऑलरेडी सिंगल कोट लगे हुए हैं, तो हम इसे करते हैं डबल कोट्स में, तो ये इसके लिए एक स्ट्रिंग होगी। देन रिफ्रेश और अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं एडमिन, देन यहाँ लिखते हैं एडमिन 12 जो हमारा गलत पासवर्ड है, देन क्लिक करते हैं तो बोलते हैं यूजर नेम पासवर्ड नॉट मैच। देन अगर हम लिखते हैं एडमिन @123 देन लॉगिन पर हम जब क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट हो जाते हैं हमारे लॉगिन पर। तो अब हम बात करते हैं सेशन की। अभी जो हमने ये लॉगिन सिस्टम बनाया है ये हमारा अनसेफ लॉगिन सिस्टम है, मतलब इसे आप बिना लॉगिन करे भी एंटर कर सकते हो अगर किसी यूजर के पास ये यूआरएल है। तो हमें इसे सिक्योर करने के लिए
ये है सेशन गेस करना पड़ता है। अनसेफ किस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये मेरा अदर ब्राउजर है या इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं इस वीआर को कॉपी करता हूँ और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब वह हिट करते हैं, ये देखिए ये इस ब्राउजर पर भी ओपन हो चुका है। ये इस ब्राउजर पर ही नहीं, अगर ये लाइव सर्वर पर इस तरह का अगर आपने कोई लॉगिन सिस्टम बना दिया है तो अनदर सिस्टम पर भी ओपन हो जाएगा यूआरएल के बेस पर। तो इस चीज को रोकने के लिए, यहाँ तक कि आप अगर इंकॉग्निटो के बारे में जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंकॉग्निटो एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई सेशन या किसी भी प्रकार का लॉगिन डीएक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे उसको लॉगिन पेज पर फेंकता है, ना कि वेलकम पेज पर। तो हम यहाँ पर अगर पेस्ट करें तो यहाँ पर भी इसे अंदर लेके आ चुका है। तो अब हमें इसे सिक्योर करना होगा, तो सिक्योर करने के लिए हम यूज करेंगे सेशन टेक्निक्स का। तो हम यूज करते हैं सेशन का, तो जहां पर हमने इसे लॉगिन किया वहां पर हम क्रिएट करेंगे सेशन। तो सेशन बेसिकली कोऑर्डिनेटर में एक लाइब्रेरी है, तो इसे हमें सबसे पहले लोड करना होगा। तो हम ओपन करते हैं हमारी ऑटोलोड फाइल, तो मैं कॉन्फिग फोल्डर के अंदर हमारी जो ऑटोलोड फाइल है उसे ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लाइब्रेरी लोड करेंगे सेशन। तो हम चलते हैं लाइब्रेरीज में, और लाइब्रेरीज में हमने डेटाबेस को लोड किया है, उसी तरह से हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सेशन, देन सेव करते हैं। और अब हम इस सेशन लाइब्रेरी को यहाँ यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉलर दिस सेशन, अगर सेट यूजर डेटा, देन हम इसमें दो पैरामीटर होते हैं, पहला वेरिएबल नेम तो हम लिखते हैं यूजर सेशन, देन कॉमा लगाते हैं और यहां पर हम उसकी वैल्यू दे देते हैं, तो हम लिख देते हैं एडमिन। और अब हम इस सेशन को यूज करके सिक्योरिटी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है हमारे एडमिन कंट्रोल में सबसे पहले लोड होगा, तो हम इसी में इसको लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर सेशन करके, और उसके अंदर यूजर सेशन इज इक्वल टू डॉलर दिस सेशन यूजर डेटा, देन यहाँ पर हम लिखते हैं यूजर सेशन, देन सेमी कॉलन, और यहाँ पर लिखते हैं इफ डॉलर यूजर सेशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ लगाते हैं नॉट, यहाँ लिखते हैं नॉट। अगर यूजर सेशन नहीं मिलता है, अगर ये वेरिएबल एम्प्टी होता है तो क्या करो, यहाँ रिडायरेक्ट कर दो उसको, रिडायरेक्ट करो, कहाँ करो उसको, तो एडमिन लॉगिन पर index.php/admin login पर से रिडायरेक्ट कर दो, अगर इसे सेशन नहीं मिलता है तो। तो अब हम अगर चेक करें इसे, तो इस फाइल को अगर हम रिलोड करते हैं तो देखिए हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं एडमिन लॉगिन पर। तो हम इसे हटाते हैं यहाँ से, index.php नहीं ले रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हम बैक करते हैं यहाँ से, तो ये एडमिन लॉगिन पर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ प्रॉपर, तो यहाँ लिखता हूँ एडमिन और यहाँ लिखता हूँ मैं admin@123, देन हम लॉगिन करते हैं तो हम आ चुके अंदर। और अगर मैं इस यूआरएल को अब कॉपी करके सबसे पहले हम चेक पेस्ट करते से इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, तो मैं यहाँ जब से पेस्ट करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो इसने ये हमें अंदर एंटर नहीं होने देगा, ये हमें एडमिन लॉगिन पर फेंकेगा। उसी तरह से अगर मैं इसे इनकॉग्निटो पर चलाने की कोशिश करता हूँ, कि अगर मैं कॉपी करता हूँ और इसे इनकॉग्निटो पर चलाता हूँ, तो देखिए जैसे बाहर फेंक रहा है क्योंकि ये अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेशन नहीं मिला, सेशन हमारा केवल इस ब्राउजर पर है। तो ये हमारा सिस्टम जो है सिक्योर हो चुका है। अब हम इस पर लॉगआउट भी बना सकते हैं, देन इसे मैनेज कर सकते हैं कि यूजर जब लॉगिन करेगा और लॉगआउट करेगा तो वो सेशन बनेगा। तो अब हम इसके बाद आने लॉगिन का भी कोड करेंगे। तो ये हमारा बेसिक था कि हमने किस तरह से इसके लिए जो लॉगिन सिस्टम था हमारा उसमें सेशन का यूज करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। तो किसी भी लॉगिन सिस्टम में सेशन एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। सेशन बेसिकली पीएचपी का एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका यूज आप आपके पूरे सिस्टम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लिखेंगे डॉलर दिस सेशन यूजर डेटा और इस यूजर सेशन नाम के वेरिएबल को आप एक्सेस करेंगे तो आपको इसके अंदर स्टोर वैल्यू हर जगह पर अवेलेबल होगी। तो इसलिए हम इसका यूज़ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कंडीशन ये बनाया गया सिक्योरिटी पर्पज से नहीं है, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं।
तो आप जरूरी नहीं है कि सेशन का यूज केवल लॉगिन सिस्टम में ही करें, सेशन का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर आपको किसी डेटा को आपके सिस्टम में हर जगह पर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सेशन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक एक वीडियो था जिसमें हमने हमारे प्रोजेक्ट का जो एडमिन लॉगिन है उसके सेशन को मेंटेन किया। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।